हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, इज माय ऑडिबल टू यू? यस हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाय आनंद कुमार, कैसे हो? तो चलो हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, द सीसीआई। आनंद कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक तो पहुंच पा रही है? इट इज एन ओवरव्यू ऑफ द फंक्शन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई इज एन इम्पोर्टेंट स्टेचुरी बॉडी। दिस आर्टिकल ब्रीफली थ्रो द लाइट ऑन द ऑब्जेक्टिव। ये जो है कंसेप्ट, ये जो फॉर्मेट है, ये फंक्शन है, हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें सिखा रहा है कि हमको देखना चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है ऑफ द मेंबर एंड द चैलेंजेस फेस बाय द कंपटीशन कमीशन इन इंडिया। और जो जो कंपटीशन इंडिया के अंदर फेस हो रहा है एज अ मतलब कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, सो ये जो है सीसीआई उसे चेक करती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्जेक्टिव, द सीसीआई एक्ट एज अ कंपटीशन रेगुलर इन इंडिया। यहाँ पे सीसीआई क्या हो गया था, रेगुलेटेड हो गया था इन इंडिया में। द कमीशन वॉज इस्टेब्लिश इन 2003, 2002 में ये बन गया था, लेकिन इसको मतलब अभी जस्ट वन दो रिकॉर्डिंग क्लास है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ओनली दो रिकॉर्डेड क्लास है। मैं बात कर लेती हूँ लक्ष्मण सर से, चेक करने बोलती हूँ। जस्ट अभी स्टार्ट किया था सीसीआई कंपटीशन। ओके, वी विल वेट 2 मिनट फॉर अजान, देन आई विल कंटिन्यू स्टार्ट। अभी जस्ट स्टार्ट किया था, ये स्लाइड हुआ था बस। हाय जय,
एक बार आप कुछ चेक कर लेना, क्योंकि मुझे बस दो क्लास ही शोर है। ठीक है, मैं ये लेक्चर के बाद एक बार चेक कर लेती हूँ और लक्ष्मण सर से बात कर लेती हूँ। ठीक, तो चलो आ जाते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, ये क्या कहता है? ये ओवरव्यू ऑफ द फंक्शन, ये सारे फंक्शन को चेक करता है। इट इज अ स्टैचुरी बॉडी। दिस आर्टिकल ब्रीफली थ्रो द लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी ये हमको हाईलाइट करवाते किस चीज पे कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनना है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ऑफ द मेंबर्स एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और किस तरह का कंपटीशन फेस कर रहा है। ब्रीफली अंडरस्टैंड द कंपटीशन एक्ट 2002 एंड नीड द कंपटीशन लॉ। नाउ यहाँ पर आ जाते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनाया गया था। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट है, ये एस्टैब्लिश कर दिया गया 2003 में, ये बिकम अ फुल्ली फंक्शन ओनली बाय द 2009 में। और देखो इसका स्टार्टिंग कब से हुआ, 2002 में, और इसको एस्टैब्लिश कब कर दिया गया, यानी लागू कब कर दिया गया, 2003 में। लेकिन ये काम किस पे कब करने लगा, 2009 पे ये पूरी तरह से काम करने लगा। इट एम एट एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी थ्रू द प्रोटेक्टिव एंगेजमेंट विद ऑल द स्टेक होल्डर गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल जस्टिस। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, चेक किया कि कॉम्पिटिशन में कौन कौन से इन्वायरमेंटल आ रहे हैं, कंपनीज आ रहे हैं एक दूसरे की कॉम्पिटिशन में, वहाँ पे कितने स्टेक होल्डर्स है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना है, और उसके अलावा इंटरनेशनल ज्यूडिकेशंस कितने, यानी इंसाफ करने के लिए कोर्ट कितने, छोटे छोटे कोर्ट होते हैं ना गाँव वगैरह में होते वैसे। हाँ बेटा हिंदी में भी दिखा रही हूँ, वो ऑलरेडी हो चुका था इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू किया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन आर प्रिवेंट प्रैक्टिस द हार्म ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे प्रिवेंट करना प्रैक्टिस है, हार्म क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन को, टू प्रमोट अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंज्यूमर, टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। आयोग के उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचने वाली प्रथाओं को रोकने के लिए बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए होता है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कमीशन के पॉइंट से। How was the Competition Commission of India formed? ये कब बना और कैसे फॉर्म हुआ? यहाँ पे ये जो हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ? वाजपेयी गवर्नमेंट में स्टार्ट हो गया था, अंडर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2002 में। द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 वॉज एनेक्टेड टू द अमेंडमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कुछ चेंजेस आने लगे, इस एक्ट के ऊपर जोर दिया जाने लगा, यानी कानून एक्ट कर दिया गया, मतलब एक कानून बना दिया गया। अब इस कानून पे जोर कब दिया गया, 2007 में, इसके साथ एक अमेंडमेंट अटैच कर दिया गया कि बाबा इस ये अगर इसके ऊपर कुछ तरह का क्राइम हो रहा है तो हमें इस एक्ट के थ्रू से हेल्प लेनी चाहिए। दिस प्लेस टू एस्टैब्लिश द सीसीआई एंड द कंपटीशन अपलेट ट्रिब्यूनल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कैसे हुआ, सीसीआई की स्थापना वाजपेयी सरकार के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत की गई थी। प्रतियोगिता संशोधन अधिनियम 2007 प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधित करने के लिए अधिनियम किया गया था। इसे सीसीआई और प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकारी की स्थापना हुई। बेटा कल गणपति था तो मतलब लास्ट डे विसर्जन था, बहुत ज्यादा साउंड था, डीजे वीजे बहुत ज्यादा जोर जोर से बज रहे थे, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट अ लेक्चर एज ऑन यस्टरडे। ठीक है, इसीलिए नहीं हुआ। द कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हियर द डिस्प्यूट्स और अपील अगेन एनी डायरेक्शन इश्यूज और डिस्कशन मेड और ऑर्डर पास बाय द सीसीआई। द गवर्नमेंट रिप्लेस द कॉम्पिटिशन अपील द कॉम्पैक्ट। इसको जब ये मैंने कल पढ़ाया था कि ये जो ये हुआ था, लागू हुआ था, ये एक्ट जो लागू हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया गया 2017 में। क्या नाम दे दिया गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेटेड ट्रिब्यूनल। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट अंडर द एक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट 1872। कौन कौन से एक्ट 1872 में आए, तो दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय द आर्य मित्तल फ्रॉम द हिदायतुल्ला नेशन लॉ यूनिवर्सिटी। सिक एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एग्रीमेंट, वैलिड एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कल भी मैंने बताया था, एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ। एग्रीमेंट क्या होता है कि जब दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करना चाहते हैं तो हम लोग एक पेपर वर्क से बनाते हैं कि डेली रूटीन होता है कि हम लोगों को इसके थ्रू से काम करना है, ये लीगल प्रोसीजर है, इसके थ्रू से मिलकर हमको एक साथ काम करना है। तो वैलिड एग्रीमेंट कब होता है, द एग्रीमेंट इफ इनफोर्सिबल लॉ शैल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मेक अ पार्टीज द एग्रीमेंट बाइंडिंग टू द कंडीशन देयरफॉर द एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज सेक्शन 2। यहां पर क्या होता है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस कंसीडर ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। जब दो लोग मिलकर एक साथ सहानुभूति लेते हैं कि हाँ हम इस के ऊपर काम मिलजुल के करेंगे, उसे कहा जाता है वैलिड एग्रीमेंट, मान्यता समझौता। एसेंशियल इसके थे
उसके बाद हमने देखा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1872 के थ्रू से, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट देखा था, हाँ 2009 में फुल वर्क करना शुरू किया. वेरी गुड नेहा. वॉइड एग्रीमेंट क्या कहलाता है? एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय द लॉ इट सेट टू बी द वॉइड. In addition, define the provision of the act declares a certain agreement to void. Object such as agreement lawful. यानी इस agreement में क्या होता था कि एक चैन वैलिड है, एक invalid है. यानी एक जो है एक्टिव माइंडेड है, एक स्लीपिंग माइंडेड है. मतलब एक बंदा जो है उसका नाम जुड़ा हुआ लेकिन वो कहीं काम भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा. यानी एक काम कर रहा और एक काम नहीं कर रहा. बेटा ग्रुप कोई है ही नहीं, मैंने अनाउंसमेंट में डाल दिया था आपको. ग्रुप अभी तक कोई भी नहीं है आपका. कॉमर्स के अलग अलग चार पांच ग्रुप है जिसके अंदर पिछले 2 साल के ग्रुप भी अवेलेबल है. सो वी शुड नेवर नो डेट के विच ग्रुप आर देयर. तो टेलीग्राम वगैरह पर ऐप होगा बट आई डोंट हैव अ टेलीग्राम, सो इसीलिए मुझे पता नहीं. हाँ वो आपको ये चीज़ है कि आपको अनाउंसमेंट में मैंने बता दिया था. Now, Section 25 of the Indian Contract Act 1872, in case where the promisor and the promissory have a mutual agree to exclude a condition in their agreement. यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कंडीशन रखते हैं कि हम मिलजुल के काम करते हैं, या एक जो होगा अवेलेबल होगा, एक नहीं होगा तब भी हम मिलके काम करेंगे. okay? तो इसके तहत होता है. ये सारी चीजें कल हमने की है. अब आ जाते हैं आज के इसमें. ओके नो इशू डियर, मैं एक बार कंफर्म कर लूं. हॉकिंग जो ऑब्जर्व दैट अ वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वन बाय विच टू पर्सन प्रोफेसिंग टू होल्ड अपोजिट व्यू टचिंग द इश्यूज और अ फ्यूचर सर्टेन इवेंट म्यूचुअली एग्री दैट डिपेंड ऑन द डिटरमिनेशन ऑफ दैट इवेंट वन शैल पे और हैंड ओवर टू हिम a sum of the money or other stake. Neither of the contracting parties have any other interest in that contract. That sum of the stake he will to win or loss. The beginning no other consideration for making the such contract by the either or parties. इनका कहना है कि contract कैसा होता है? One by which or two person professionally holding a opposite view, जो एक दूसरे को जानते हो और एक दूसरे के point of view से touching the issue of the future. यानी हमें किस point पे काम करना है, किस चीज से अंडरस्टैंडिंग रखनी है और हम कहाँ कहाँ पर एक साथ काम करेंगे, किस चीज का पैसा कौन पे करेगा, किस चीज के काम को कौन संभालेगा, ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. ये हॉकिंस जी ने दिखाया कि दाव का अनुबंधन वे होता है जिसके द्वारा दो व्यक्ति भविष्य की अनिश्चित घटना के मुद्दे को छूने वाले विपरीत विचार रखने का दावा करते हैं, प्रसक सहम होते हैं कि उस घटना के निर्धारण पर निर्भर करते हुए कोई व्यक्ति इस भुगतान करेगा या सौंप देगा धन या अन्य हिस्से द्वारा की राशि किसी भी अनुबंधित पक्ष का उस अनुबंधन में उस राशि या हिस्सेदारी के अलावा कई अन्य हित नहीं है जो वे जीतेगा या हारेगा. किसी भी पक्ष द्वारा इस तरह के अनुबंधन को बनाने के लिए कई विपरीत विचार नहीं है. चलो कोई बात नहीं यार, अभी आ जाओ यहाँ पे. एडिशनली एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज अ प्रॉमिस दैट इज डन टू कंपोसेट फॉर एनी प्रायर डेट्स और द प्रॉमिस दैट हैव बीन डन वॉलंटरीली एंड शैल नॉट बी अवॉइड. लास्ट एन एग्रीमेंट दैट इज अ प्रॉमिस टू पे इन द फुल और इन द पार्ट एनी पेमेंट ऑफ अ क्रेडिट एनी डेब्ट बट सच डेब्ट हैज बीन बैड बाय द लिमिटेशन सच एग्रीमेंट शैल नॉट बी अवॉइडेड. देखो यहाँ पर हो जाता है कि voidable और देखो voidable और valid. Valid agreement कब होगा? जब दोनों लोग एक दूसरे की सहानुभूति से काम करेंगे. और void agreement कब होगा? जब एक काम करेगा और एक काम नहीं करेगा. यानी एक at present available है और एक at present available नहीं है. इसके अतिरिक्त बिना
प्रतिफल के एक समझौता एक ऐसा वादा जो स्वच्छता से किए गए वादे के किसी भी पूर्व कर्मों की भरपाई के लिए किया जाता है और शून्य नहीं होगा। अंत में एक समझौता जो भुगतान करने का वादा है पूर्ण या अशिंक रूप से लेनदार को किसी भी देय ऋण का भुगतान करता है, लेकिन इस तरह के ऋण को सीमा से रोक दिया गया है, ऐसे समझौता शून्य नहीं होगा। लाइक कैसा होगा? नहीं, void and voidable, yes, void and voidable एक ही है। फिर आ जाएगा वैगरिंग एग्रीमेंट। वैगरिंग एग्रीमेंट इज व्हेन द फर्स्ट पार्टी प्रॉमिस टू पे द सेकंड पार्टी ऑन द अक्यूरेंस ऑफ अ सर्टेन इवेंट एंड द सेकंड पार्टी एग्री टू पे द फर्स्ट पार्टी ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग। इट इज द बिटवीन टू पार्टीज रैशनल माइंडेड हु अंडरस्टैंड दे शैल गेट अ प्रॉफिट और डेट शैल बी द फेस ऑफ लॉ। देखो वेयरिंग एग्रीमेंट मतलब ऐसा होगा कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने जा रहे हो तो दो पार्टी मिलेंगे, यानी दो लोगों के रिलेशन होंगे। या तो ऐसा होगा कि पहला वाला जो प्रॉमिस करेगा कि मैं तुमको पैसा जो है जो तुम्हारा अपना जो काम है उसका जो मैं तुमको कोई एक टाइम पर दे दूंगा, लेकिन दूसरा वाला जो है जैसा दूसरा वाला जो है वो रिटर्न देने की बारी आती तो ऐसा कोई इवेंट डिसाइड नहीं करता है कि मैं ये वाले वक्त पर तुमको दूंगा। तो ये क्या साइड है? नहीं, जब तुमने जो टाइम पे पैसा लिया तो पेमेंट की भी एक लिमिट होती है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना। सो इट इज कॉल्ड या तो प्रॉफिट हो जाएगा या तो लॉस हो जाएगा। दाव लगाने के समझौते। बाजी लगाने का समझौता तब होता है जब पहला पक्ष किसी निश्चित घटना के घटित होने पर दूसरे पक्ष को भुगतान करने का वादा करता है और दूसरा पक्ष घटना नहीं होने पर पहले पक्ष को भुगतान करने के लिए सहमति होता है। यानी हम लोग शर्त लगाते हैं ना, लग गई बैठ कि चलो ऐसा वो लड़की ने पलट कर देखा मतलब वो पड़ गई, अगर नहीं पलट के देखा तो नहीं पड़ी। तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इट इज कॉल्ड दावे लगाना। तो इट इज कॉल्ड अ वेयरिंग एग्रीमेंट, यानी पेमेंट का हम ऐसा भुगतान करेंगे कि अगर ये काम हुआ तो इसका पूरा पेमेंट आपको मिलेगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो इसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। As started about the wearing agreement fall under the section 30 and they considering void. An example of a wearing agreement is follow. A and B agree with each other that if a ball hit a pot. Example के लिए अभी देखो, अभी जो चीज हम बताने जा रहे हैं दाव लगाने का समझौता, इसके अंदर एक और एक कंडीशन आ जाती है। आप क्या पूछ रहे हो बेटा? जब दो शर्त लगा रहा है, या तो इवेंट होगा या तो नहीं होगा, या तो ये मतलब शर्त लगा ले कि तू आज हारने वाला है और शर्त लगा दे कि आज हार मतलब वो जीतने वाला है। तो जब ऐसी बैटिंग लगाते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, एक जीतेगा या तो एक हारेगा। वैसे ही यहाँ पर दूसरी भी कंडीशन हो रही है कि void का एक example दे रहा है। Example wearing an agreement A and B agree with each other that if a ball hit a pot, A will pay the 100 to B and if the ball does not hit to the pot, B will pay to the A 100. Such agreement is wearing an agreement and it is a void. यहाँ पर एक चीज, जहाँ पर एक चीज हाँ होगी एक चीज ना होगी, यानी agreed और disagreed दोनों चीजें हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे void agreement. Is this clear? Yes. जैसे किसी ऊपर कहा गया है कि सभी दावे समझौता धारा 30 के अंतर्गत आते हैं और उन्हें शून्य माना जाता है। एक बाजी समझौते का एक उदाहरण निम्नलिखित है। ए और बी आपस में सहमत है कि यदि कोई गेंद बर्तन से टकराती है तो ए उसे ए 100 रुपए का भुगतान करेगा, बी को 100, और यदि गेंद बर्तन को नहीं मारता है तब ए बी ए को 100 रुपए का भुगतान करेगा। तो 100 इसी तरह का समझौता एक बाजी समझौता है और इसलिए शून्य है, यानी एक तरफा डिसीजन हो रहा है, यानी एक जीतेगा एक हारेगा। जहाँ दोनों लोगों की सहानुभूति होगी वो चीज अलग है, जहाँ एक लोगों की सहानुभूति होगी उसे हम कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। कंटीजन एग्रीमेंट क्या कहलाता है? अंडर सेक्शन 31 अनलाइक वेगर एग्रीमेंट दे आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। Contingent agreement shall be executed on the basis of a promissory which contingent on the happen on the non happening of or certain on the future. या तो ये future में होगा या तो नहीं होगा। जैसा A promise B to pay 2000 in case there is a water damage to A house. The essential of the agreement are started below. यहाँ पे
बी ने वादा किया कि अगर तेरे घर में कुछ डैमेज हुआ पानी की वजह से तो मैं तुझे पूरा पैसा पे कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट बन गया। मे बी डिफाइन एज एग्रीमेंट एंड इट मे रिवोक बाय द आइदर द पार्टीज एग्रीमेंट ड्यू टू द वेरियस लीगल रीजन। देखो जहां पर एक का फायदा होगा और एक का नुकसान होगा, जो जीत गया उसका बेनिफिट हो गया, जो हार गया उसके पैसे पैसे चले गए तो उसका नुकसान हो गया। तो जहां पे एक को फायदा और एक को नुकसान होगा तो इट इज कॉल्ड अवॉइडेबल। द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइज एग्रीमेंट एज स्टार्टेड अबव द एग्रीमेंट मे बी डिफाइंड एज प्रॉमिसरी कपल्ड विद द कंसीडरेशन सेक्शन 9। द एक्ट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेस इंप्लीमेंट द प्रॉमिस। It is stated that any promission made through the word by the parties shall be considered as express the promise, and a promise made other than the word shall be considered implied promise. Thus, an express the agreement shall be an agreement whether in the promise is expressed, and the implied agreement shall be an agreement whether in the promise are implied. You समझा? नहीं, यहाँ पर हाँ, जैसे शतरंज में बैठ लगती वैसे express और निहित समझौता, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक समझौते को प्रतिफल के साथ जोड़ गए वादे के रूप में प्रतिभाषित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 व्यक्त और निहित वादों का अर्थ प्रदान करती है। इसमें कहा गया है कि पार्टियों द्वारा शब्दों के माध्यम से किए गए किसी भी वादे को एक स्पष्ट वादा माना जाएगा और शब्दों के अलावा किए गए किसी भी वादे को एक निहित वादा माना जाएगा। इस प्रकार एक स्पष्ट समझौते को एक समझौता होगा जिसमें वादा व्यक्त होता है और एक निहित समझौता एक समझौता होगा जिसमें वादा निहित होगा। देखो एक्सप्रेस और निहित समझौता ये क्या कहलाता है आपको, यहाँ पर जैसे कि हम कमिटमेंट करते हैं, जैसे कि कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरा होना या तो कमिटमेंट ना पूरा होना, लेकिन यहाँ पर हम ना पुराने वाले होने वाली वादा नहीं, यहाँ पे हमने कमिटमेंट किया विथ प्रॉमिस। ओके, देखो वादा करना मतलब प्रॉमिस, और कमिटमेंट करना कि मैं ये चीज तुमको ये समय पे दे दूंगा, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। यहाँ पर ये चीज आ गई। अब यहाँ पर आ गया लीगल एग्रीमेंट क्या होता है। एनी एग्रीमेंट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ इन फोर्स इन द इंडिया शैल बी इलीगल। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो कानून के खिलाफ जाएगा इट इज कॉल्ड इलीगल एग्रीमेंट। अवैध समझौते, भारत में लागू कानून के प्रावधानों के खिलाफ किसी भी समझौते को एक अवैध समझौता माना जाएगा। दो शर्तों में से कोई भी अवैध वस्तु या अवैध विचार समझौते को अवैध बना देगा, यहाँ तक कि अगर एक समझौते की सामग्री पार्टियों को एक अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करती है तो ये एक अवैध समझौता होगा। द डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड अवॉइड। देखो इलीगल मतलब कानून के खिलाफ, वॉइड मतलब एक की रजामंदी है एक की रजामंदी नहीं है। तो यहाँ पर वो बता रहा है दैट इज अ लेटर इन नॉट नेसेसरी अगेंस्ट द प्रोविजन इन द लॉ फोर्स, जहाँ पे ना की गुंजाइश नहीं होती। वेल द लेटर एक्सपेक्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ इन वर्ड एवेला इलीगल। देखो वॉइड के अंदर ना की गुंजाइश नहीं होती, या तो जीतो या तो हारो, हाँ या तो नहीं, मतलब तुम जीतोगे शर्त लग गई है कंपलसरी, या तो होगा या तो ना होगा, तो यहाँ पे ना की गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर ना मतलब कैसा मना है, ये नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो जहाँ मना है जहाँ नहीं कर सकते इट इज कॉल्ड इलीगल। यस, ये था हमारा आज का प्रिपरेशन पेपर, अपना इलीगल और लीगल के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से हमारा लेक्चर, जिससे मैंने आज कैसे भी करके कंप्लीट किया है। कल लीगल एस्पेक्ट बिजनेस का पार्ट टू ले लेंगे। एक मिनट होल्ड करते हैं, कैन वी कंसीडर अगेन, मतलब आगे जा सकते हैं क्या। उसका हमारे पास पीडीएफ अवेलेबल है, तो लीगल एस्पेक्ट पार्ट टू जो है मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूंगी। ओके, एक नज़र आप देख लीजिए तो उसके अंदर और क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। बैंकरप्सी कोड वगैरह आ गया। Now it is called a consideration. Now royal and chartered companies. Royal and chartered companies क्या होती है और कैसी होती है?
इतना सारा कैसे पढ़े मैम इतनी द टाइम। पहले एक बार हम सिलेबस को देख ले, सिलेबस के कंटेंट को देख ले। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक यूनिक चीज स्टार्ट की है, सो यू डोंट वरीड अबाउट इट। मैंने कहा ना आपको, जो वादा किया मैं निभाऊंगी। हाँ, खुद से रीड करने जाएंगे ना तो आपको 300-400 पेजेस की एक बुक आ जाती है, उसके अंदर वो लोग अपने हिसाब से एमसीक्यू। स्लाइड ज्यादा है, मटेरियल कम है। स्लाइड ज्यादा है एग्जैक्टली, मैंने मटेरियल उतना ही कंटेंट पार्ट दिया है जिसका आपको मीनिंग समझ जाए। यस, सो कोई इशू नहीं है। आज का कंटेंट, आज का सिलेबस के हिसाब से हमारा लीगल एस्पेक्ट का यही था। कल हम लीगल एस्पेक्ट का पार्ट टू ले लेंगे, और लीगल एस्पेक्ट पार्ट टू मुझे कल ही फिनिश करना है, तो मे भी मुझे आपका जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो प्लीज बी विथ मी, देन इंशाल्लाह वी विल फिनिश टुमारो इटसेल्फ। ओके, तो चलो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शपक है। और कल इंशाल्लाह मिलेंगे, कल लीगल खत्म कर देंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का देख लेना। यस, मैं देख लेती हूँ डियर, अभी देख लेती हूँ। वैसे मटेरियल कम नहीं है मैम, वीडियो कम है। हाँ, मेरा तो सारा घूमने लगता है। हाँ, लगता है बेटा, फर्स्ट टाइम जब करते हैं ना ऐसा फील होता है। बट डोंट वरी, प्लीज ट्रस्ट ऑन मी, आई विल से एवरी टाइम, डोंट वरी, रिमेम्बर डैट, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। एक शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो आई एम योर द किंग, नहीं द क्वीन ऑफ द फिलोफॉर्म कॉन्वर्सेशन। सो मैं आप लोगों को हारने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह आई विल गिव यू द डेफिनेटली द गुड स्क्रिप्ट। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।